नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पटना में देर रात से ही बारिश हो रही है और बारिश ने पूरे पटना के सभी इलाकों को जलमग्न कर दिया गया है। एक रिक्शा वाले हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रिक्शा का जो चक्का है वो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है, लेकिन जिंदगी है, कमाई करना है, इसलिए आप यहाँ पे आए हैं। बताइए कितनी आपको लग रही है पानी, क्या कहेंगे आप इस पे? जो बारिश हो रही है लगातार पटना में, कितनी परेशान, समस्या तो बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है, क्योंकि घरों में सब में पानी है। टोटल जो गोदरेज था वो भी भिजल है, इतना पानी में है। हाँ, सवारी लेकिन आपको लेके आ रहे हैं? हाँ, मोड़ पर से है, जो सवारी लेके आए हैं। हाँ, चलिए हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे। दरअसल ये राजेंद्र नगर का इलाका है, ये रोड नंबर 10 है। कहा जाता है कि राजेंद्र रोड नंबर 10, ये अगर ये डूब गया ये सड़क, तो समझिए कि पूरा राजेंद्र नगर जो है वो डूब जाएगा। और आज यही हुआ, आज हुआ यूँ कि राजेंद्र नगर जो रोड नंबर 10 पे पानी कभी नहीं आता था, आज यहाँ पे पानी आ गया। हम कुछ देखिए, घर, ये क्वार्टर है राजेंद्र नगर रोड नंबर 10 पे, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके का आलम है। पूरे घर के अंदर तक पानी आ गया है। जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं किस तरीके से अपने जीवन यापन कर रहे हैं, घरों के कमरों के अंदर आ गया। हम कोशिश करेंगे कि ये दरवाज़ा खोले और हम अंदर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का इनका जीवन हो गया है, किस तरीके से ये कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। चलिए हम अब अंदर चलते हैं। आपको बता दें कि राजेंद्र नगर में जब भी बरसात आती है पानी आती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रोड नंबर 10 में पानी आने का मतलब है कि पूरा जो राजेंद्र नगर है वो डूब गया है। ये देखिए घरों के अंदर का आलम क्या है, देखिए घुटने भर पानी। ये राजेंद्र नगर रोड नंबर 10 का इलाका है। इससे पहले यहाँ पे पानी कभी इस तरीके से आता था? नहीं आता था ना, नहीं। इस बार ही आया है इस तरह। आप इधर कैमरे को देख के, राजेंद्र नगर में हर बार बारिश होती है, हर साल आता है राजेंद्र नगर, लेकिन इस रोड में मैंने भी कभी नहीं देखा कि रोड नंबर 10 में पानी आए। और इस तरह ये आलम ये हो गया है कि आप देख सकते हैं कि घरों के अंदर भी देखिए किस तरीके से बच्चे हैं वो रह रहे हैं, मजबूर हैं। देखिए हालांकि बचाव के तमाम तरह के इंतजाम करने की कोशिश घर वालों की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ नाकाफी। जिस तरीके से बारिश ने कोहराम मचा कर रख दिया है, पूरे पटना ही नहीं पूरे बिहार में आलम यह हो गया है कि अब लोग सीधे घरों के अंदर दुबक के बैठ गए हैं। ये बताइए अब कैसे कट रही है आप लोग की जिंदगी? देख रहे हैं हम लोग तो एकदम बिल्कुल बेकार बने हुए हैं, सोने का जगह है न, बैठने का जगह है, समझे, और बहुत ज़्यादा परेशानी है। न खाना बनाने में बनता है, समझे, न खाने में बनता है, को न पानी का व्यवस्था है, न पैखाना जाने का व्यवस्था है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बच्चे लोग, आप लोग इधर आगे आओ, आप लोगों को तो मज़ा आ रहा होगा बरसात में, बच्चे लोग पानी में तो मजा आ रहा होगा। चलिए शायद ये बोल नहीं रहा है, चलिए अब हम आगे चलेंगे और एक एक तस्वीर राजेंद्र नगर की हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या आलम हो गया है। अब हम इस घर से बाहर चलेंगे। आपको बता दें कि कल से ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था बिहार के 14 जिलों को लेकर, लेकिन इस तरीके से बारिश होगी किसी ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि राजेंद्र नगर रोड नंबर 10 जो है कभी डूबता नहीं था, लेकिन इस बरसात में ये जो इलाका है वो जलमग्न हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि ये राजेंद्र नगर रोड नंबर 10 है, अगर 10 इस तरीके से डूब गया है तो और जो भी रोड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उनका आलम क्या होगा। फिलहाल एक तस्वीर हम आपको न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से दिखा रहे हैं किस तरीके से पानी में जलमग्न हो चुका है पटना। लगातार सीएम नीतीश कुमार बैठक पर बैठक कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं डीएम के साथ, उन्होंने आज बैठक किया। ये एक तस्वीर देखिए किस तरीके से एक स्कॉर्पियो गाड़ी आ रही है। ये रोड नंबर 10 है जो कहा जाता था कि कभी नहीं डूबता है। इससे पहले मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं भी यहाँ पास में ही रहता हूँ, लेकिन मैंने कभी इस रोड नंबर 10 को डूबते नहीं देखा है, लेकिन आज ये रोड नंबर 10 पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। किस तरीके से गाड़ियाँ आ रही हैं आप देखिए, पूरा चक्का भर चुका है और गाड़ियाँ लगातार आ रही हैं, कमर तक पानी है। ये देखिए सिचुएशन, देखिए तस्वीर, देखिए किस तरीके से गाड़ी आ रही है। हम कोशिश करेंगे इन्हें रुकवा कर हम इनसे बात करें और ये बात करें और ये बात करेंगे। एक सेकंड रुकिएगा, किस तरीके के हालात हैं? एकदम बहुत बुरा हालत है पटना नगर निगम के बारे में क्या कहें? एकदम भयात, बदतमीज, जितने इंसान है सब वहाँ पे हैं। चलिए एक गुस्सा है लोगों में, एक साफ तौर का एक गुस्सा देखने को मिल रहा है लोगों में पटना नगर निगम की तरफ, लेकिन नगर निगम भी करे क्या, जब इस तरीके की बारिश हो जाए तो नगर निगम करे क्या। एक चीज और आपको बता दें कि आज कल रात से ही पटना राजेंद्र नगर के कुछ इलाकों में लाइन कटी हुई, लाइन इस वजह से भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम बात करेंगे जो हमारे साथ चल रहे हैं संतोष,
आप राजेंद्र नगर रोड नंबर 10 में ही रहते हो, बताओ इससे पहले इतना पानी कभी देखा आपने? नहीं सर, अभी तक तो अभी इतना पानी हुआ है, लेकिन इतना बारिश कभी नहीं हुआ, और हुआ भी तो इतना जल जमाव नहीं हुआ है। बारिश तो हुआ है लेकिन इतना जल जमाव नहीं हुआ, ये पहली बार इतना देखने को मिला है कि इतना जल जमाव हो कि घर में पानी घुसा हो। चलिए हम आपको और भी वीडियो दिखाते रहेंगे, फिलहाल अभी तक के लिए इतना, देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।